तो आज इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे शेयर में मामूली सा गिरावट हुआ है 2% का, तो देख सकते हैं आज का डेट में प्राइस जो है कि है करीब करीब 311 के साथ क्लोजिंग दे दिया। अब देखिए स्टॉक का अगर मान लीजिए थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए स्टॉक का मार्केट कैप जो है आपका यहाँ पे 1,97,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ स्टॉक यहाँ पे जो लिस्टेड है, ठीक है। अब करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 311 का है और 52 एक हाई का अगर देखा जाए तो देखिए 395 का शेयर आपको यहाँ पे अभी 311 रुपये में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपको 84 रुपये यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ऑलरेडी शेयर मिल रहा है। अगर स्टॉक का पी का बात करें यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, आपको लग रहा है बहुत जन का कमेंट आता है कि सर स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है। देखिए पी एक्चुअली यहाँ पे एडजस्ट हुआ नहीं है, कंपनी अभी रिसेंटली जो है आईपीओ लेके आई थी, लिस्टेड हुआ है तो अभी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 4-5-6 quarters आने दीजिए स्टॉक का, उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक पी जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे देखने में थोड़ा सा महंगा लग रहा है लेकिन है नहीं, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है, अपना मतलब फंडामेंटल के हिसाब से प्राइस कंपनी का यहाँ पे ठीक है, तो अभी वो एडजस्ट हुआ नहीं इसलिए आपको लग रहा है कि कंपनी का जो है पी यहाँ पे ज़्यादा है। उसको एडजस्ट होने दीजिए, 2-4 quarters आने दीजिए, सेटल होगा तो अपने एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आरओसी आरओई का बात किया जाए तो थोड़ा सा देख सकते हैं आरओसी आरओई जो है यहाँ पे ये सब भी चीज़ जो है अभी तक मतलब मेन है कि 2-4 quarters आया नहीं है ना, तो इसलिए सब चीज़ भी जो है अभी तक फुल एंड फाइनल जो है सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अगर फेस वैल्यू का बात किया जाए तो वो भी देखिए अभी भी 10 रुपया है, मतलब आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे भी स्प्लिट बोनस जैसे अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मान लीजिए एनालाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कंपनी हैज रिड्यूस डेट। देखिए आज के डेट में अगर मार्केट गिर रहा है तो सबसे पहले वही सब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी के ऊपर आपको फोकस बना के रखना है, जो मार्केट बाद में रैली करे तो उस टाइम क्या है ये सब मतलब फंडामेंटल वाला शेयर जो है मार्केट रैली के साथ अपना मतलब रैली करे। ऐसा नहीं है कि अब गिरते टाइम गिर रहा है स्टॉक लेकिन भागते टाइम कम भागे, तो वो कब भागता है जब मार्केट मतलब शेयर जो आपका गलत चूज होता है, ठीक है, उसी हिसाब से। तो फंडामेंटल देख के आप सही स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में इस सब गिरावट में जो है ऐड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कंपनी अपना डेब्ट जो है यहाँ पे कम कर रहा है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल जो है मतलब वो भी आपका जो फॉर्म किया है 1832 दिन से लेके मतलब 20.6 days, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कंपनी एज मतलब रिपोर्टिंग कर रहा है प्रॉफिट का, एक दो क्वार्टर जो भी रिपोर्ट किया है लेकिन उसके बाद भी जो है कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रहा है। तो क्या जरूरी नहीं कि आपको कंपनी में डिविडेंड के लिए ही रुकना है, दे तो ठीक है नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उस पैसा को अगर कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाए यूज करे तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी जितना ग्रोथ करेगा इन्वेस्टर को भी उतना ही ग्रोथ होगा, तो डिविडेंड मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप स्पेशली डिविडेंड के लिए जाइए। तो मेरा एक कभी भी रिकमेंडेशन नहीं रहता कि आप डिविडेंड देख के ही कंपनी में बाय करिए, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कर रहा है थोड़ा सा डिविडेंड देना चाहिए इन्वेस्टर लोग को, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, वो पैसा को अपना मतलब बिजनेस में बढ़ाएं, बिजनेस को एक्सटेंड करें तो उसमें जो है इन्वेस्टर को उसी से ही पैसा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पीयर्स का बात करें तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं अपना सेक्टर में 3 number पे आता है, ये एक्चुअली मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का है, ठीक है, बजाज फिनसर है, उसके बाद जो है जियो फाइनेंस आता है 3 number में। तो देख लेते हैं अगर मान लीजिए प्रॉफिट थोड़ा सा क्वार्टर देख लेते हैं इसका कंपनी का जो भी क्वार्टर है 4-5 quarters का जल्द देख लेते, देखिए 416, ठीक है, 600, 414, 16, मतलब इस हिसाब से देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर। अगर नेट प्रॉफिट का बात किया जाए तो अभी ज़्यादा क्वार्टर का रिजल्ट है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब प्रॉफिट भी ठीक है। अगर पीएल का बात करें तो यहाँ पे देखिए ओनली देखिए 2 है, ठीक है, मार्च 23 का है और मार्च 24 का है, तो 2 साल का ही यहाँ पे पीएल है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका ग्रोथ हुआ है कंपनी का, मतलब यहाँ पे सेल्स भी देख सकते हैं और ATM है अभी तक, मतलब एक क्वार्टर का ही है यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार सेप्टेम्बर क्वार्टर का भी सेल आ गया है यहाँ पे, रिजल्ट आ गया, ये देखिए मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर तो अच्छा किया ही है, ठीक है, और ईयर एंड ईयर भी जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट अच्छा ही हुआ है, ठीक है। अगर प्रॉफिट का भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये देखिए, ईयर एंड ईयर है और ये जो है आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब रिजल्ट अच्छा है। तो इस हिसाब से देखिए तो ये दोनों क्वार्टर मिला के अभी तक TTM करके लो देता है, ये फ्लैक्चुएट हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अगर ईयर एंड ईयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कंपनी यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट वगैरह जंप करते हुए नज़र आ रहा है आपको। तो EPS भी देख सकते हैं आज का डेट में 2.53 का जो है यहाँ पे EPS चल रहा है कंपनी का। अगर थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र डालें तो कंपनी का रिजर्व भी देखिए यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिक्स एसेट्स का बात करें तो एसेट्स भी देखिए कंपनी का मतलब अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, IPO आया तो कंपनी के ऊपर जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे जो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे कंपनी का मेन चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूस यहाँ पे जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कैश फ्लो का बात करें यहाँ पे तो कैश फ्लो भी देखिए ठीक ठाक है, नॉर्मल है कंपनी का, है ना। और मेन चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इन्वेस्टर लिस्ट, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टर लिस्ट कहाँ गया, प्रोमोटर्स, ये प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे देखिए 47% का है। अगर एफआई का बात करें तो एफआई देखिए यहाँ पे 16-17% लेके बैठे हैं। डीआईज वालों का भी अच्छा मतलब होल्डिंग है। अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट का बात करें तो देखिए गवर्नमेंट का भी देखिए 0.15% का होल्डिंग है। और यहाँ पे पब्लिक का भी देखिए 25% करीब करीब जो है आपका हिस्सेदारी है। तो देखिए मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मतलब एफआईज और डीआईज मिला के जो है आपका 17 और ये 11, मतलब 28% जो है अपना एफआईज और डीआईज वाले लोग यहाँ पे स्टेक लेके बैठे हो, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कंपनी का फाइनेंशियल है और किसका कंपनी है वो भी पता है। ठीक है, अंबानी जी का मतलब ग्रुप का कंपनी है, रिलायंस ग्रुप का, तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इतना अच्छा बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप से रिलेट करता है कंपनी, तो आज नहीं तो कल आपको मतलब जैसे जैसे क्वार्टर आएगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी जो है आपको रिटर्न बना के यहाँ पे दे देगी। तो अभी देखिए, अभी मेन है कि मार्केट गिर रहा है, तो अभी देखिए शॉर्ट टर्म वालों को तो हम ऐसे ही हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब अभी मार्केट से दूरी बना के रखिए, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो है हर एक गिरावट जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गिरेगा नहीं तो आप इन्वेस्ट कहाँ करिएगा, मार्केट गिरेगा नहीं तो आप इन्वेस्ट कहाँ करिएगा, अगर ऐसे चढ़ते जाए तो आप कहाँ इन्वेस्ट करिएगा यहाँ पे। तो यही सब अपॉर्चुनिटी है, 2008 का क्रैश है, 2021 का है, ठीक है, तो ये सब जो है मतलब 2014 ये सब बस इन्वेस्टमेंट करने का एक मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। देखिए मार्केट को एक्चुअली लास्ट में तो जाना ही ऊपर है, ठीक है, आज के डेट में देखिए 26,000-25,000 का मतलब जो निफ्टी लगा के आया, 30,000-50,000 यहाँ पर निफ्टी को जाना ही है, लेकिन हाँ अब डायरेक्ट जाएगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करिएगा, थोड़ा सा रुकेगा नीचे आएगा तब ना आप ये सब इन्वेस्ट करिएगा, तो फिर जब 30,000 जाएगा निफ्टी उस टाइम फिर आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो सीधा सा बात है, उसी हिसाब से आप अपना एनालाइज करके अच्छा अच्छा मेन मेरा बस फोकस ये है कि आप अच्छा फाइनेंशियल अच्छा फंडामेंटल शेयर चूज करें और उसमें ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जाके फ्यूचर में यहाँ पे मतलब अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं तो मतलब लगेगा कि आपको ठीक है, हाँ मेरे को रिटर्न बन रहा है। अब ऐसा शेयर इस सिचुएशन में आप खरीद के रखिएगा, मान लीजिए जो मतलब अभी गिरावट में तो गिर रहा है अच्छा खासा, लेकिन जिस टाइम मार्केट रिकवरी करे उस टाइम शेयर जो आपका रिकवर ना करके उल्टा और मतलब कंसोलिडेट करे या फिर और नीचे गिर जाए, तो आपको बस चूज करना है अच्छा फंडामेंटल और अच्छा फाइनेंशियल जिसका रिजल्ट हर एक क्वार्टर का अच्छा आ रहा है। देखिए मार्केट मतलब स्टॉक पीट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को पीटने दीजिए, लेकिन हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, हम उस पर बने रहेंगे, क्योंकि देखिए हमको पता है जब रिकवरी करेगा तो ही सब शेयर जो है सबसे पहले रिकवरी करेगा। ठीक है, तो ये था टोटल डिटेल्स वीडियो जियो फाइनेंस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।